बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में रहने वाली 14 साल की लड़की शुक्रवार को अपने घर से गायब हो गई थी। परिजन उसे तलाश रहे थे लेकिन लड़की का पता नहीं चल सका। इसके बाद वे थाने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। इस बीच शनिवार को लड़की घर लौट आई। उसके बाद परिजन फिर उसे लेकर के पुलिस थाना पहुंच गए। लड़की ने पुलिस को बताया कि तार बाहर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से इंस्टाग्राम पर उसकी बात होती थी। शुक्रवार रात युवक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। लड़की ने बताया कि जब वह चौक पर पहुंची तो युवक ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया, अपने घर ले जाकर के दुष्कर्म किया, फिर अपने दो साथियों को भी बुला लिया, उन लोगों ने भी दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन लड़कों ने उसे छोड़ा तो वह घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी है। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस ने मामले दर्ज नहीं किए। अगले दिन रविवार को शहर में राज्यपाल का प्रवास था। नाबालिग से दुष्कर्म की सूचना मिलने के बाद भी थानेदार सहित पूरा मामला वीवीआईपी ड्यूटी में व्यस्त था। इस दौरान परिजन नाबालिग को लेकर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गिड़गिड़ाते रहे लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। थानेदार ने वीवीआईपी ड्यूटी का बहाना बनाया और महिला विवेचक नहीं होने की बात कह दी। इसके चलते परिजन पूरे दिन थाने में ही बैठे रहे। बताया जा रहा है कि पीड़िता के परिजनों ने शनिवार को ही इस घटना की सूचना थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उन्हें कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। इस बीच बिना अपराध दर्ज किए ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गया। रविवार को पुलिस ने दो आरोपियों को तो पकड़ने का दावा किया है लेकिन उनकी जानकारी नहीं दी है। वहीं अफसर और थानेदार इस गंभीर मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।